गाइज, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हमने धनी स्टोर को रेफर किया, हमें वहां पर 1000 भी मिल गए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कैसे हम उन 1000 रुपए को यूज करें। क्या हम उन 1000 रुपए को अपने बैंक अकाउंट के अंदर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? क्या हम उन 1000 रुपए से शॉपिंग कर सकते हैं? ये आप हमें बताइए। तो गाइज, आपका भाई आज आपको यहां पर बताने वाला है कि अगर आप धनी स्टोर को रेफर कर रही हैं, उसके 1000 रुपए आपको मिल रही हैं एक बार धनी स्टोर को रेफर करने पर, उन 1000 रुपए को क्या आप यूज कर पाएंगे, क्या आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले पाएंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं कैसे हम धनी स्टोर के अंदर जो रेफर करने के बाद 1000 मिलते हैं उनको यूज करते हैं, कैसे हम बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नए कस्टमर के लिए, अगर आपने अभी तक धनी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई नहीं किया है तो धनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए धनी वन फ्रीडम कार्ड, जिसके अंदर आपको लिमिट मिलती है 5 लाख रुपए तक की, जिसको आप यूज कर सकते हैं 3 महीने के लिए 0% इंटरेस्ट पर। आपको क्या करना है, एक लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली जाएंगे प्ले स्टोर में और यहां पर आपको एक एप्लीकेशन दिखा देगी जिसका नाम है धनी कार्ड विद क्रेडिट एंड स्टोर। अगर आप पहले से कस्टमर है धनी के, आपको क्या करना है, धनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। जब आप धनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइज एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आपको यहां पर दिखाई देगा कुछ ऐसा। मैं आपको बता दूं गाइज, धनी ने अब अपने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं, जैसे धनी वन फ्रीडम कार्ड है जिसकी लिमिट आपको मिलती है 5 लाख रुपए तक की, 0% इंटरेस्ट पर आप उस लिमिट का यूज कर पाते हैं। स्टोर एंड फार्मेसी का भी यहां पर इन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, यानी अपना नया स्टोर लॉन्च किया है। पेमेंट एंड सर्विस भी आपको यहां पर मिलती है, स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कार्ड भी आप यहां पर बनवा सकते हैं, लेकिन वो हम कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे यहां पर अगर आप धनी स्टोर को रेफर कर रही हैं और आपको मिल रही है धनी स्टोर रेफर करने पर 1000 रुपए, वो 1000 जा कहां पर रही हैं? बहुत सी ऐसे मेरे भाई जिनको पता ही नहीं है उनके 1000 रुपए कहां पर जा रही हैं। 1000 आ तो रही हैं, वो ढूंढ रहे हैं अपने वॉलेट के अंदर, वहां पर नहीं दिखाई दे रही हैं, तो वो जा कहां पर रही हैं वो भी मैं आपको यहां बताऊंगा। उसके साथ ही आपको ये बताऊंगा उन 1000 रुपए को क्या आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर निकाल सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। उसके साथ ही आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे उन पैसों को यूज कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले तो वन फ्रीडम कार्ड पर क्लिक करना है, किसी भी टैब पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको यहां पर लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो एप्लीकेशन होगा उसका इंटरफेस आपको यहां पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अभी आप देख सकते हैं गाइस यहां पर क्या सिस्टम हो चुका है, मेरी जो अवेलेबल लिमिट है धनी वन फ्रीडम कार्ड की वो है 5000 रुपए। 5000 रुपए में से केवल मैं यहां पर एक दिन में 500 रुपए ही यूज कर पाऊंगा। यानी क्या होता है, जितनी भी लिमिट आपको मिलती है आपके धनी फ्रीडम कार्ड की, उसका केवल 10% ही आप यूज कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूं गाइस वो 1000 रुपए जो मुझे मिल रही है, यानी मैं आपको यहां पर सबसे पहले अपनी अर्निंग दिखाता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा उन 1000 रुपए को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, और अगर नहीं निकाल पाएंगे तो कैसे आप उनको यूज कर पाएंगे। ठीक है, जाते हैं सर्विस में। सर्विस में जाने के बाद यहां पर रेफर एंड अर्न का एक टैब दिखाई दे रहा है। अगर आप भी कमाना चाहते हैं धनी से तो आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं आप यहां पर। और मैं बता दूं गाइस ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको अनलिमिटेड अर्निंग देती है, यानी यहां पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि आप इतना कमा सकते हैं, आप जितना चाहे उतना मर्जी कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं मैंने बता रखा है अपने दूसरे चैनल पर, आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अर्न विद एनके का, जिसके अंदर मैं आपको घर बैठे पैसे कमाने के नए नए तरीके बताता हूं। अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो भाई आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दो, मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, अर्न विद एनके नाम से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो यहां पर अभी देख सकते हैं गाइस स्क्रीन पर मैंने अभी तक यहां पर इस एप्लीकेशन से कमाई है 2,92,963 रुपए, और वो जो 1000 रुपए मुझे मिल रही है, यानी आपको भी अगर मिल रही है धनी स्टोर को रेफर करने पर, नीचे देख सकते हैं रेफर धनी स्टोर एंड फार्मेसी, जिसको रेफर करने पर आपको मिलते हैं 1000 रुपए, नीचे देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अगर मैं आपको क्लिक डिटेल में क्लिक करके दिखाऊं तो गाइस यहां पर आपको जितनी भी मेरी अर्निंग होगी और जैसे ही मेरी अर्निंग हुई है वो यहां पर दिखाई देगी। देख सकते हैं गाइस यहां पर मैंने धनी फ्री कैशबैक कार्ड बनाया, 200 रुपए मिले, और नीचे अगर आप देखेंगे यहां पर फार्मेसी स्टोर को मैंने जब रेफर किया तो यहां पर मुझे 1000 दो बार मिले हुए हैं। ठीक है, और नीचे देख सकते हैं 1000 रुपए दो बार और मिले हैं, यानी 1000 रुपए मुझे बहुत मिल रही है, लेकिन ये जो 1000 मुझे मिल रही है ना ये मेरे इस वॉलेट के अंदर ऐड नहीं हो रही है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइज स्क्रीन पर मेरे जो होम स्क्रीन है यहाँ पर मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं, जो 1000 रुपये यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे। आपके मन में ये कन्फ्यूजन जरूर होगा, भाई हमें 1000 तो मिल रहे हैं, खुश भी बहुत हो रहे होंगे, भाई हमें 1000 मिल गया यार मजा आ गए, लेकिन यार पैसे गए कहाँ? आप कंफ्यूज होंगे। बहुत ऐसे मेरे भाई जो मेरे पास बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई हमें पता नहीं चल पा रहा है हमारे धनी स्टोर के 1000 रुपये कहाँ पर जा रहे हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले आपको बताता हूँ वो पैसे कहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है गाइस, सबसे नीचे एक स्टोर का टैब आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको स्टोर पर क्लिक करना है। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी अभी 4-5 दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि आपकी जो धनी स्टोर की रेफरल अर्निंग है वो कहां पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ये नहीं बताया था कि आप इन पैसों को कैसे निकाल पाएंगे और कैसे यूज कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ज्यादा मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इसके ऊपर मैंने ज्यादा छानबीन की है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, जब आप धनी स्टोर में आ जाएंगे और अकाउंट में आप जाएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं धनी कैश नाम से आपको यहां पर दिखाई दे रही है मेरे 18,900 रुपये। ये मेरी वही अर्निंग है जो मुझे धनी स्टोर के रेफरल करने पर मिल रही है, यानी आपको भी यहाँ पर आपकी अर्निंग दिखाई देगी धनी स्टोर में जाकर, जब आप अकाउंट में जाकर सबसे नीचे देखेंगे धनी कैश में। यानी क्या किया है अभी धनी ने, धनी का जो वॉलेट है उसमें आप 1000 रुपये अभी 1000 ऐड नहीं हो रही है, इन्होंने क्या किया धनी स्टोर का एक अलग से वॉलेट बना दिया जिसके अंदर आपको आपकी अर्निंग दिखाई देगी। जब आप धनी कैश पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 18,900 रुपये अभी मेरे धनी कैश बैलेंस के अंदर है। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 18,900 रुपये मेरे धनी कैश वॉलेट के अंदर अभी आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, और ये धनी स्टोर है, ठीक है, देख सकते हैं यहां पर 1000 मुझे यहां पर मिले हैं। अब बात ये आती है कि आपको जो भी अर्निंग हुई है आपके धनी स्टोर पर वो आप कैसे निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। तो गाइज मैं आपको बता दूं ये आपके लिए एक झटका भी हो सकता है और आपके लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम भी हो सकता है। अगर आप धनी स्टोर को रेफर कर रही हैं तो आपको यहां पर कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जी हां गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, कोई फायदा आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है। देखिए यहां पर ये जो 1000 रुपये आ रही है ना, इनसे आप केवल शॉपिंग कर सकते हैं, और शॉपिंग भी आप इन सारे पैसों को यूज करके नहीं कर सकते हैं गाइज। मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए आपको 1000 रुपये यहां पर मिले और आप वापस स्टोर में जाते हैं। मैं यहां पर कार्ट में गया, कार्ट में मैंने कोई प्रोडक्ट डाल लिया, मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट डाले हैं अपने कार्ट में, देख सकते हैं यहाँ पर अभी आप। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, ये प्रोडक्ट जब आप खरीदेंगे तो यहाँ पर केवल आपके जो पैसे हैं धनी स्टोर में उसमें से कुछ परसेंट ही यूज हो पाएंगे, मैक्सिमम 100 रुपये तक। जी हाँ गाइस मैक्सिमम 100 रुपये तक ही आप यूज कर पाएंगे अपने उन 1000 रुपये में से। तो यहाँ पर मेरे वॉलेट के अंदर तो गाइस 18,900 रुपये है। अब आप सोचो 18,900 रुपये में से मैं 100 रुपये केवल एक बार शॉपिंग करने पे यूज कर पाऊंगा, केवल 100 रुपये, यानी कि 10% या फिर कुछ जितना भी होगा यहां पर ऐसा है। आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर मैं आपको यहां पर कुछ शॉपिंग करके दिखा रहा हूं, यहां पर कुछ प्रोडक्ट है मैंने डाल रखे कार्ट में, 14,900 रुपये के 14,900 रुपये फिलहाल मेरे वॉलेट के अंदर थे उस टाइम पर जब मैं शॉपिंग कर रहा था, और मैंने जब यहां पर शॉपिंग की तो मैक्सिमम केवल 100 रुपये यूज हुए मेरे उन 14,000 में से, यानी 15,000 में से केवल 100 रुपये यहां पर यूज हुए, तो पूरे तो पैसे यूज नहीं हुए। तो मैं फायदा किया हुआ धनी स्टोर को रेफर करने पर। मैं धनी से बोलता हूं अगर आप देख रहे हैं भाई मेरे, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने आपके धनी स्टोर को रेफर कर रहे हैं, हमारी 1000 रुपये की अर्निंग हो रही है, तो भाई आप इनको प्लीज वॉलेट के अंदर दें ताकि हम इनको यूज कर पाए, या तो निकाल पाए या यूज कर पाए या शॉपिंग कर पाए, कुछ भी कर पाए। लेकिन ये परसेंटेज के हिसाब सही नहीं है, धनी स्टोर पर इतना कुछ नहीं है जो हम खरीद सके, केवल यहाँ पर फार्मेसी के प्रोडक्ट मिलते हैं या फिर ग्रोसरी के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब आप सोचो यार, अगर आप काम कर रही हैं धनी के साथ में, रेफर कर रही हैं धनी एप्लीकेशन को, ठीक है, और धनी स्टोर को रेफर कर रही हैं, 1000 रुपये की एक बार में अर्निंग हो रही है, केवल आप वहां पर 10% ही यूज कर पा रहे हैं, तो ये गलत है। इन पैसे को ना तो आप बैंक अकाउंट के अंदर निकाल पाएंगे और ना ही इनसे आप शॉपिंग कर पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे तो केवल 100-150 रुपये ही आप यूज कर पाएंगे, तो ये तो गलत है यार। जो मेरे भाई मेरे पास बार बार कमेंट्स कर रहे थे, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये क्या पंगा चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, धनी स्टोर को रेफर करने पर 1000 तो मिल गए, और आप उदास भी बहुत हुए होंगे। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं किन किन को यहाँ पर कितने की अर्निंग हुई है और किन के पैसे वेस्ट यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, अगर आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, धनी स्टोर को रेफर करने पर जो आपको 1000 रुपये मिलते हैं उसको आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और ना ही उनको आप धनी स्टोर पर सारे पैसों को एक साथ यूज कर पाएंगे, केवल जब आप वहां पर शॉपिंग करेंगे, जितने रुपए की भी आपकी शॉपिंग होती है, चाहे वो 500 की चाहे वो 1000 रुपये की हो, सपोज करो 1000 रुपये की आपने शॉपिंग की, तो उसमें से केवल आप 10% यानी 100 रुपये यूज कर पाएंगे अपने धनी स्टोर कैश, जो भी आपका यहाँ पर अर्निंग हुई है, और बाकी का पैसा आपको कैश में देना होगा या फिर आप जो है धनी फ्रीडम कार्ड से दे सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको शॉपिंग करके दिखाई भी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लाइव प्रूफ के साथ में।
तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अर्न विद एनके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस चैनल का, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आजकल भी इतना ही।